नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। नहीं मिला बहुमत तो क्या करेगी भाजपा, अमित शाह ने बनाया प्लान बी, अमित शाह ने तैयार की रणनीति। कुछ ऐसी ही हेडलाइंस देख रहे हैं ना आप आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया में। लोकसभा चुनाव 2024 के दोस्तों चार चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। ऐसे में जब लगभग 70% मतदान संपन्न हो गया तो राजनीतिक दलों ने परिणामों के बारे में अब सोचना शुरू कर दिया है। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया है और इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं जो आपके मन में भी उठ रहे हैं। क्या भाजपा के पास बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचने की स्थिति में कोई प्लान बी है? इस सवाल का जवाब अमित शाह ने बेहद ही दिलचस्प अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि प्लान बी की जरूरत तो तब पड़ती है जब प्लान ए की संभावना का जो प्रतिशत होता है वो 60% से कम होता है। मुझे तो यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। जरा सुनिए और क्या कुछ बता रहे हैं अमित शाह। कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है इस देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने और हर भारतीय चाहे गरीब से गरीब हो चाहे कितना भी धनवान हो, ये सभी मानते हैं कि 10 साल में दुनिया में देश का सम्मान बढ़े। इस देश में मोदी जी के साथ 60 करोड़ लाभार्थियों का एक फौज मजबूती के साथ खड़ा है जिसकी ना कोई कास्ट है ना कोई एज ग्रुप है। हमने लगभग 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया है और 3 करोड़ देने वाले हैं इस बार चुनकर आने के बाद। 32 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए हैं और इसकी रीच 60 करोड़ तक पहुंचेगी, जिनको 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हर घर में नल से जल, लगभग 14 करोड़ घरों में नल से जल दिया है। लगभग 10 करोड़ से ज्यादा घरों में LPG का गैस का सिलेंडर दिया है। 12 करोड़ घरों में हमने शौचालय बनाया है और 1 करोड़ 41 लाख जिनकी इनकम महीना 500 रुपया भी नहीं थी, ऐसी गरीब महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाया है और 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखे हैं। पीएम किसान, लगभग 11 करोड़ किसानों को हर साल हम 6000 रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में देते हैं। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र NEC एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, BEd, BA BEd, BSc BEd, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम का। तो आज की संकल्प R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेज।